प्रिय मित्रों, सीएमपीसी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत अभिनंदन। देखिए, सेकंड ग्रेड का मैथ्स का एग्ज़ाम हो चुका है और आप सभी उस पेपर को देने के बाद कुछ मुझे ऐसा लगा कि आपके कमेंट और इससे कि आप हल्के से विचलित से लग रहे हैं, तो मैं इस संदर्भ में थोड़ी सी बात करना चाहूँगा आपसे। पहली बात तो कि जो एग्ज़ाम आपने दिया है सेकंड ग्रेड का मैथ्स का, देखिए मैं जो एक बात कहना चाहूँगा, हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं? हमें बचपन में पढ़ाया था कि उसके अंदर की जो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ, आप प्रश्न आता था परीक्षा में कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण और परिणाम लिखिए। हम ऐसा क्यों पढ़ते थे? शायद उस समय तो पता नहीं चलता था, लेकिन आज पता है कि हम कारण और परिणाम क्यों जानते हैं। यानी इतिहास हमें सिखाता है, हम इतिहास से सीखते हैं और हम आगे गलतियां नहीं करें, और इसीलिए हम इतिहास पढ़ते हैं। सीधी सीधी बात है। तो इसीलिए मैं उस पेपर का जो मेरे सामने है, ये मेरे हाथ में है, आप इस पेपर से अच्छी तरह से परिचित हैं, यही सेकंड ग्रेड का मैथ्स का पेपर है जो आप देख के आए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पहली बात तो जो कमेंट आ रहे थे, और ज़्यादातर लोगों ने ये कहा कि पेपर बहुत टफ था, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? आपको लगता है कि नहीं यार, आप तो पढ़ाते हो लगातार, आपको पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ है। बात ये नहीं है, वास्तव में सीधी सीधी बात ये कि जो पेपर में क्वेश्चन पूछे हैं वो क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। और मैं जो हर वीडियो में आपसे ये बात करता था कि किसी भी कंटेंट को ठीक से अगर समझ लें तो हम उसके इर्द गिर्द सब तरफ जा सकते हैं, और कैसा भी क्वेश्चन आए तो हम कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, बात ये नहीं है कि मेरा अपना चैनल है इसलिए मैं इसकी बड़ाई करूँ। आपको बता दूँ कि ये जो पेपर है, इस पेपर में जो क्वेश्चन है, इसमें से 60 से 70 क्वेश्चन तो एग्जैक्ट हूबहू आपके इसी चैनल पे जो मैंने करवा रखे हैं उनमें से पूछे हैं। और मैं मेहनत पर विश्वास करता हूँ, मैं कभी भी ऐसे लाग लपेट और इधर उधर की बातों में विश्वास नहीं करता, और मैंने मेहनत की भी है आप लोगों के लिए, ठीक है ना? और आप लोगों ने उसे मतलब अप्रिशिएट भी किया है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसके बाद मैंने जो बाकी के जो क्वेश्चन है वो काफ़ी जो कंटेंट मैंने बताया, जो थ्योरी मैंने बताई है, मैंने हर टॉपिक के क्वेश्चन से पहले मैं थ्योरी पर गया हूँ, उस थ्योरी पर बेस्ड क्वेश्चन आए हैं। अगर आपने, मैं दावे से कह सकता हूँ कि अगर इस चैनल पर जिन लोगों ने इस चैनल के हर वीडियो को ठीक से समझा है, देखा है, वो आराम से इसके अंदर जो है 110 से 115 क्वेश्चन तो इजी वे में वो सोल्व कर सकता है इसके अंदर। इस पेपर से के क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, ठीक है? मैं बस एक ही बात कहता हूँ कि आपको कंटेंट को ठीक से समझना होगा, ठीक से पढ़ना होगा, ठीक है? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अब जो पेपर हो गया, हम उसकी चिंता नहीं करें। इस पेपर की बात करें तो इसके अंदर जो जिस बात का आप इंतजार कर रहे हो, जो चीज़ आप जानना चाह रहे हो, वो बात मैं अब कहना चाहूँगा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम के कुछ दिनों पहले मैंने 40% वाला एक पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया भी डाला था, आपको बताया, और काफ़ी लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया और उसको फॉलो भी किया। क्योंकि जब पेपर टफ आ गया, मैंने कहा था कि पेपर टफ आता है अगर, और हमें लगता है कि हम अगर 50 से 60 क्वेश्चन ही कर पा रहे हैं, अगर हम 60 क्वेश्चन करते हैं तो मैंने बताया था कि 120 नंबर हो रहे हैं ये जो कि पासिंग मार्क्स है। अब इसमें से मान लो 10 क्वेश्चन गलत हो गए तो ये 120 से नीचे आ गए, यानी हम तो पासिंग मार्क्स वाले क्राइटेरिया में जा ही नहीं रहे। अब हमारा जीके का पेपर अपन चाहे कितना भी अच्छा कर ले, क्या मतलब है उसका? कोई मतलब नहीं, आपको पता है। तो मैंने जो कहा था, अगर उसमें क्योंकि 60 क्वेश्चन ही अगर लग रहे हैं तो आपको रिस्क लेनी थी। जिन्होंने नहीं लिए तो उनके हाथ में तो कुछ है ही नहीं, जब क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किए हैं तो फिर प्लस माइनस की गुंजाइश की बातें खत्म हो जाती है, ना तो प्लस होंगे ना माइनस होंगे। लेकिन हमें रिस्क लेनी थी, जिन लोगों ने रिस्क ली है, अब मैं मेन बात करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने रिस्क ली है और जो स्टूडेंट इस पेपर के अंदर 40% यानी कि 120 नंबर का आंकड़ा अगर पार कर जाता है, उसका इसमें सिलेक्शन है। मैं आपको इतना बता रहा हूं,
ठीक है ना, जिसने 40% वाला स्कोर कवर कर लिया है बस उसको थोड़ी सी जीके के अंदर मेहनत करनी पड़ेगी। जो जीके का पेपर होगा उसके अंदर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको आराम से मतलब 220 से लेकर 240 से 250 के बीच में आपको इस अगर कवर कर लेते हो दोनों मिला करके, आपका सिलेक्शन है, आप इस सेकंड ग्रेड को कंप्लीट कर लेंगे। जिनके मन में जो सवाल था मैंने आपके सामने रख दिया। इस बात में आगे बढ़ूं तो जिन लोगों के नहीं हो रहा है उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास में रीट मेंस इंतजार कर रहा हमारा, और अभी भी हमारा सीईटी का एग्जाम भी है सेट का, ठीक है, तो वो भी हम बिल्कुल प्रिपेयर कर लें। आपको अब पीछे जो हो गया उस पर विचार नहीं करना है, मैं आपको साफ साफ कहना चाहूंगा, हो गया जो हो गया, लेकिन ऐसा नहीं कि जो हो गया और हम वापस अगली स्टडी को भी उसी ढर्रे से उसी चैनल से चलाएं, नहीं, हमें हमारे पीछे वाले में और इसमें सुधार करना पड़ेगा, पैटर्न बदलना पड़ेगा। क्यों हम एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कर पाए, क्यों हमने प्रिपरेशन की और हम वहां पर क्वेश्चन नहीं कर पाए एग्जाम में, तो ये चीजें हमें सबक देती है कि हमें चेंज करना पड़ेगा पैटर्न, हमें उस अगर हम उस पैटर्न पे चले तो हमारी हालत सेकंड ग्रेड वाली इस रीट मेंस और सीईटी में भी होने वाली है, लेकिन हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, ठीक है, हम सुधार करेंगे, हम तरीका बदलेंगे, जो चीज हम करेंगे, आपने देखा होगा कि इस पेपर में कितने क्वेश्चन आपने पढ़े हैं, आपको मालूम है कि आपने अच्छी तरह पढ़ रखे हैं, लेकिन एग्जाम में वहां कंफ्यूजन हुआ और क्वेश्चन रॉन्ग होने की स्थिति में आ गया, वो गलती हम यहाँ नहीं करें। जिसको हम पढ़ें उसको पूरा पढ़ें, और जो पढ़ लिया उसको साइड में रखा, फिर बिना देखे देख उसके क्वेश्चन करके देखें। हमें ज्यादा सोचना पड़ेगा, कंटेंट की कोई कमी नहीं है, कंटेंट तो आपको खूब मिल जाएगा, इतने सारे चैनल, इतने सारे मतलब गूगल भरा हुआ पड़ा पूरा, इंटरनेट से अपन ले सकते हैं, दुनिया भर की बुक्स मिलती है मार्केट में, लेकिन वो सब काम की नहीं, हम भटकते रहते हैं, हम एक चीज को फोकस नहीं करते हैं। एक चीज को अगर अपन ठीक से स्टडी करें तो जा करके हम उस एग्जाम को कवर कर सकते हैं। आप कोई सी भी एक बुक, कोई सा भी एक चैनल, कोई सी भी मतलब एक जो है आप बुक से ठीक से स्टडी कर लें, आप आराम से उस एग्जाम को कवर कर लेंगे। जो पेपर में क्वेश्चन आए बहुत सारे कह रहे हैं, कुछ कमेंट ऐसे भी आए थे कि आप करके देखना इसमें नहीं होगा, रियलिटी बताऊं मैंने 3 दिन तक इस पेपर को देखा ही नहीं था। ये तो जब लगातार कमेंट आए कि पेपर बहुत टफ था, तब जाकर के मैंने पेपर को देखा कि मैंने कहा ऐसा क्या पूछ लिया है, क्योंकि मुझे इतना विश्वास है कि इस पेपर में जो कंटेंट मैंने सीएमपीसी चैनल से आपको प्रोवाइड कराया, मैं दावे से कह सकता हूं कि क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जा सकता। आपको अगर विश्वास नहीं हो, मैं फिर से, मैंने आपके टेलीग्राम चैनल पर भी इस पर कमेंट किया है, आप पढ़ लेना, और अगर विश्वास नहीं हो तो आप इसके एक एक क्वेश्चन को आप YouTube चैनल से, आप कंटेंट से आप मैच करें, आपको उसके अंदर क्वेश्चन मिलेंगे, मुझे पूरा विश्वास है और मैंने देखा है, क्योंकि मैंने तो करा रखा, मुझे पता है कौन सा क्वेश्चन कहां से मिलेगा। तो इसलिए जो हो गया उसकी बात नहीं करें, हम तो रीट मेंस की बात करें, सीईटी की बात करें, और हमें पैटर्न, मैंने कहा ना पैटर्न बदलना पड़ेगा, जब तक हमने पैटर्न नहीं बदला, जो तरीका हमने उसमें रखा, थोड़ा इससे पढ़ा, थोड़ा इससे पढ़ा, थोड़ा इससे पढ़ा, यूं अगर चलते रहे ऐसे नहीं चलेगा। हमें जो चीज पढ़ी है उसको हमें याद भी करना पड़ेगा। बहुत सारे कहते हैं घर सर मैथ्स को रटने की चीज है क्या, नहीं रटने की चीज नहीं है, पर याद रखने की चीज है। जो पढ़ा उसको याद भी तो रखना पड़ेगा कि किस चीज में, किस कंटेंट के अंदर, किस क्वेश्चन में कौन सा जो फॉर्मूला, कौन सी थ्योरी प्रोवाइड की गई है, कौन सा यूज किया अपन ने, वो तो पता करना पड़ेगा ना, याद रखना पड़ेगा ना। तो ये चीजें जब हम बार बार किसी चीज को देखते हैं तो वो हमें याद हो जाती है। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब हमारा लक्ष्य रीट मेंस और सीईटी होना चाहिए। सीईटी तो भी 4 दिन बाद ही है, आपने जो भी कर रखा उससे आप प्रिपरेशन कर लें। रीट जो प्री एग्जाम के अंदर मैंने बहुत सारे वीडियो आपको इस पर प्रोवाइड करा रखे हैं आपके इसी सीएमपीसी चैनल पर, आप उसको ठीक से पढ़ लें। मैं तो आपको इतना बता रहा हूं कि रीट मेंस के प्रश्नों को करने से पहले अगर आपने इस सीएमपीसी चैनल पर जो रीट के
प्री के साइंस और मैथ्स के मैंने वीडियो आपको प्रोवाइड कराए हैं। मैं इतना मुझे विश्वास है कि अगर आप उनको ठीक से स्टडी कर लें, उनको अगर लाइन टू लाइन ठीक से याद कर लें, समझ लें, आपका आने वाला पेपर आप केवल इन वीडियो के माध्यम से आप उसको क्रैक कर सकते हैं, मुझे विश्वास है। पर पढ़ना तो पड़ेगा। मैंने रीट प्री के लिए अच्छे बहुत अच्छा कंटेंट इस पे दे रखा है, फिर भी जो लोग पहले जुड़े नहीं थे, ठीक है, मैं अभी दो दिन बाद जस्ट इसको फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लगातार लगे, जो चीज़ें मैं करवाता हूँ वो आप ठीक से पढ़ें। एक बात कहना चाहूँगा, जो चीज़ें मैं यहाँ से देना चाहूँगा, जो पढ़ाऊँगा रीट में, जो आपको कंटेंट प्रोवाइड कराऊँगा, चीज़ें आपको हर चैनल मिल जाएगी, बहुत सारे बुक्स मिल जाएगी, आपको आती भी है, ठीक है, फिर भी उसका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। मैं इस चीज को बताना चाहूंगा कि आता है कंटेंट फिर भी क्वेश्चन रॉन्ग हो जाए, ऐसा क्यों? ये चीज मैं खास अब आने वाले हर वीडियो में, चाहे साइंस का हुआ चाहे मैथ्स का हुआ, मैं उसके अंदर बताऊंगा। तो अब आप रीट मैथ्स के अंदर लग जाएं ताकि आपको एक अच्छा स्कोर मिल सके, ठीक है, और आप मेहनत करें, बिल्कुल आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक बात और कहना चाहूँगा, जिन लोगों के रीट मेंस क्लियर नहीं हुआ है उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जीवन में ये सेकंड ग्रेड और ये रीट पहला नहीं है, अभी तो आपको आपके जीवन की शुरुआत है यार, अभी आपको और चांस मिलेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है आपके इस ये जो विज्ञप्तियाँ हैं इसके जस्ट बाद और विज्ञप्ति आ जाए, ऐसी संभावना पूरी लग रही है। तो इसलिए आप यूनिक आप किताबें सेकंड ग्रेड की आप जो बुक्स है वो आप ऊपर रख दें, ठीक है, अब उसका कोई काम नहीं, ऐसा नहीं है। डरने की जरूरत नहीं है किसी चीज से, नफरत, क्योंकि जब आपको पेपर अच्छा नहीं हुआ तो आपको लगता है कि यार उस मैथ्स की बुक को हाथ लगाने की इच्छा नहीं होती, तो मतलब वो चीजें नहीं होनी चाहिए। मैथ्स तो हमारी जान है यार, हमने तो मैथ्स ली है, हम तो मैथमेटिक्स स्टूडेंट कहलाते हैं, फिर हम उससे डरे क्यों और हम उससे अलग क्यों हो, क्यों हम अलग रख दे जाके? अभी और मौका मिलेगा और हम और उसको फिर से पढ़ेंगे, जो चीज़ें रह गई उन चीज़ों को फिर से स्टडी करेंगे ठीक से, तो अगला वाला क्लियर करेंगे। इसलिए जिनका रीट मेंस में मतलब प्री क्लियर नहीं हुआ है, वो लोग आप इन दोनों ही एग्जाम को, और मैं तो कह रहा हूं कि सेकंड ग्रेड को एक बार आप फिर से स्टार्ट कर दें, जो आपका, क्योंकि सेकंड ग्रेड की तैयारी करोगे तो आपका रीट वाला जो प्री और मेंस अपने आप ही हो जाएगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जो हायर लेवल का कंटेंट पढ़ोगे तो आपको ये भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सभी स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूँ, आपको बिल्कुल नर्वस होने की जरूरत नहीं है, आप CMPC यूट्यूब चैनल से आप डटे रहें, लगे रहें, आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा और आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे, ये मेरा अपना विश्वास है। धन्यवाद।